Good morning, students. Today we are taking chapter number 1 and chapter is Changing Trends and Career in Physical Education. So from this chapter we take one topic. The first topic is physical education. Okay, so what is physical education? Ki development in body movement, clear hai? Development of both body and mind, develop the total personality, helps to develop complete and balance physical, mental, social and emotional faculties of the body. Yani physical education ke andar hum hamare overall personality development ke bare mein study karte hain. Okay, now meaning kya hai physical education ka, meaning kya hai, what is the meaning? Meaning ye hai ki ye jo ye hum physical education jo aaj pad rahe hain, this is not the new word. This is not the new topic. ये topic नया नहीं है, ये ancient time से चला आ रहा है. So पहले जो रामायण महाभारत जितने भी युद्ध वगैरह हुए हैं, तो वहाँ जो physical activity के द्वारा जो उन्होंने learn किया है, like किस तरह से भाला चलाना, तीर चलाना, wrestling है, कुश्ती वगैरह, जो भी जितने भी एक्टिविटी होती थी, क्या पहले नहीं होती थी? सब होती थी. लेकिन उसमें क्या धीरे 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 बहुत सारे चेंजेस आते गए. जैसे जैसे सोसाइटी, जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे डेवलपमेंट बढ़ते गए, वैसे वैसे हमारे जो गेम्स हैं, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए. वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. ओके, तो सेम है ना, फिज़िकल एजुकेशन यानी जो हमारी जो फिज़िकल है उसके बारे में हमें स्टडी करना, उसके बारे में हमें पढ़ना. किस तरह से पहले जो लोग सीखते थे एजुकेशन, मतलब कि फिज़िकल के बारे में, तो पहले भी स्टडी होती थी फिज़िकल एजुकेशन के बारे में, और अब बहुत सारी चेंज. पहले जैसे गेम्स प्ले करना, खेलना, दौड़ना, भागना, तीर अंदाजी करना, रिक्रिएशन वगैरह सारा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा भी, मतलब ये उससे भी ऊपर उठ करके आ गया फिजिकल एजुकेशन. ओके, तो ये मतलब फिजिकल एजुकेशन का मतलब ये है कि पहले भी ये वर्ड था और आज भी ये वर्ड है. पहले भी लोग इसे पहचानते थे और लोगों की जो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स हैं अलग अलग हैं, और आज की डेट में भी हैं. लेकिन आज हम शॉर्ट एंड स्वीट में पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्या है. फिजिकल एजुकेशन आपको ऑलरेडी बता दिया. ओके, तो दीज आर द पॉइंट्स आई रिटन ऑन द वाइट बोर्ड. दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो ऑलरेडी एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, और जितने भी लोग हैं सब दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट व्यूज. अगर 100% है तो दे हैव द 100 पीपल हैव द 100 व्यूज ऑन दैट व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन. ओके, सबका अपना अपना तरीका होता है फिजिकल एजुकेशन को एक्सप्लेन करना. ओके, नाउ कम टू पॉइंट, व्हाट इज फिजिकल डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? देयर आर सो मेनी पीपल्स इज देयर एंड दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ physical education, and that one definition is given by the HC book, that he said that physical education is the part of general education program which is considered with growth, development and education of children through the medium of big muscles activities. मतलब फिजिकल एजुकेशन एक वो है कि छोटे बच्चे का पूरा फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छे से डेवलप करना, मतलब कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट. ओके, एंड देयर आर सो मेनी डेफिनेशन इज ऑलरेडी इनसाइड द बुक, सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड रीड. ओके, नाउ वी आर टेकिंग एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन पार्ट फिजिकल एजुकेशन, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड definition of physical education. Now we are taking the aim of physical education. What is aim? Aim kya hai physical education ka? First, aim of physical education to make every child physically, mentally fit. Yani aim kya hai physical education ka? Ki ek har bacche ka physically, mentally fit rehna. Okay? And we can say aim is complete development of a person or a child. Yani पूरा डेवलपमेंट किसका? बच्चे का, एक पर्सन का. एम ये है. ओके, इट इज़ ऑप्टिमम होल्स सम
qualities develop in person through the medium of physical education, यानी physical education के द्वारा हम हर person की qualities को develop करना है. Clear? Aim is ultimate goal to be achieved. Aim is also to develop in him such personal and social qualities as will help him to live happily with others and build him up a good citizen. It can be said it refers to the holistic development of an individual, which consists social, emotional, mental, physical development. यानी physical education क्या है, एक पूरा पर्सन एक holistic development है जिसके अंदर आपका physical, mental, emotional, social all five objective जो हैं वो इसमें include होते हैं. So this is the aim हर छोटे बच्चे का, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे person हो, चाहे कोई भी हो, सबका personality development होना इट्स कंपल्सरी. तो दिस इज़ द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नाउ वी आर टेकिंग द टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नाउ टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. स्टूडेंट्स ऑलवेज कन्फ्यूज फिजिकल एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन. प्लीज़ डोंट फॉरगेट, दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू डेवलप. फिजिकल एजुकेशन में मतलब कि हमें स्टडी किसकी करनी है, फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल डेवलपमेंट यानी जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे. ओके, यानी फर्स्ट फिजिकल डेवलपमेंट यानी फिजिकली एक्टिविटी जो भी आप परफॉर्म करते हैं जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, तो उस एक्टिविटी करने से हमारे मसल्स में, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में क्या चेंजेस होते हैं, क्या डेवलपमेंट होता है. तो वी हैव टू स्टडी इन फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम पढ़ेंगे फिजिकल डेवलपमेंट. ओके, तो फिजिकल डेवलपमेंट में क्या है, टू लीड द डेवलपमेंट ऑफ आर ऑर्गन्स, जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, सच एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि दीज सिस्टम्स विटनेस ग्रोथ इन साइज, शेप एंड एफिशिएंसी. इनके बारे में स्टडी करना किसके अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर, यानी जब क्या डेवलप होता है. ओके, कि हमारा जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो हमारे फिजिकल एक्टिविटी के अंदर इतने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का इंक्लूड होता है और किस तरह से उनका डेवलपमेंट होता है हर बॉडी के पार्ट्स का. ओके, फिर है हमारा मेंटल डेवलपमेंट. इसमें क्या है, मेंटल डेवलपमेंट में मेंटली जो हम डेवलपमेंट है कि हम हमारा किस तरह से मेंटली हमें डेवलप, माइंड को कैसे डेवलप करना है, करना भी है और इसके बारे में स्टडी भी करना है. फिजिकल एजुकेशन में हमें ये बताया जाता है, ये सिखाया जाता है कि मेंटल डेवलपमेंट क्या है. ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, मेंटल डेवलपमेंट, जो हमारा माइंड का कंसंट्रेशन है, अलर्टनेस है और डीप कंसंट्रेशन एंड कैलकुलेट द मोमेंट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डेवलपमेंट. सोशल मीन्स जो सोसाइटी के अंदर हमारा कैसा स्टैंडर्ड होता है, किस तरह से हम मेंटेन करते हैं, किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं, मतलब ये सोशल डेवलपमेंट ही है ना, कि किस तरह से हमें सोसाइटी में रह के अपने वो जो रिलेशंस होते हैं उनको कैसे डेवलप करना है, कैसे मेंटेन करना है. ओके, सोशल डेवलपमेंट यानी थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी द प्लेयर्स हु बीन टू डिफरेंट प्लेसेस. ये सिंपल वे था कि सोशल डेवलपमेंट में लाइक देर सो मेनी लाइक द टेक वन एग्जांपल, लाइक वी आर हमारी जब स्टेट की, राजस्थान स्टेट की टीम अगर दूसरे स्टेट में प्ले करने जाती है तो वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स होते हैं दे ऑल आर केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड व्हाट दे हैव द नेचर, उनका नेचर कैसा होता है, उनका बिहेव कैसा होता है, किस तरह से वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ बिहेव इन फ्रंट ऑफ यू आल्सो, कि किस तरह से वो आपके सामने अपना कैसे बिहेव प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से वो इनका एटीट्यूड है, किस तरह से, मतलब कि एक सिंपल एग्जांपल है, जब भी आप टूर्नामेंट के लिए बाहर जाते हो तो वहाँ पे आपका कैसा इन्वायरमेंट आपको मिलता है और किस तरह से आप बिहेव करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी होती है. ओके,
through the physical activity, the players who belong to different places come to closer one another, एक दूसरे के पास में बैठते हैं, and they adjust themselves according to the situation, human relations and develop, okay? And it is better source for attaining the qualities like cooperation, courtesy, fair play and sportsmanship and tolerance and sympathy. यानी ये चीज़ें हम किस में सोसाइटी के अंदर, अब स्पोर्ट्स रिलेटेड होते हैं कि जब हम टीम बाहर प्ले करने जाती है तो हमें बहुत सारी सिचुएशन कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, हमें एडजस्ट करना पड़ता है. एग्जाम्पल, वी आर ओनली 12 प्लेयर्स, जब भी हमारी टीम अगर बाहर जाती है प्ले करने के लिए तो सिर्फ हम 12 प्लेयर होते हैं. 12 प्लेयर होते हैं, हमारे कोच होते हैं, हमारे टीम मैनेजर होते हैं, एक हमारा, अगर हम लेडी गर्ल्स की टीम है तो एक लेडी कोच भी. तो अगर जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे, हमें वहाँ पे कैसा बिहेव करना चाहिए, किस तरह से हमें वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरह से हमें दूसरे स्टेट से जहाँ से और डिफरेंट प्लेयर्स आते हैं उनके साथ में हमारा कैसा नेचर होना चाहिए, तो हमें एडजस्ट करना, किस तरह से हमें वहाँ बिहेव करना. तो देयर आर सो मेनी क्वालिटीज़ यू हैव टू डेवलप इन द सोशल एनवायरमेंट. ओके, तो नेक्स्ट फेयर है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन यानी इट इज़ ए कंसर्न विद बेटर रिलेशनशिप बिटवीन नर्व सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम. यानी ये हमारा कोऑर्डिनेशन है कि हमारा जो माइंड हमें क्या कह रहा है और हमारे मसल्स हमें क्या कहते हैं, कि जैसे हम थक जाते हैं तो हमारा माइंड कहता है कि नाउ यू आर नॉट एबल टू प्ले. यही है ना, गर्म चीज़ पर हाथ लगाओगे माइंड क्या कहता है कि नहीं प्लीज़ डोंट टच, इट्स टू हॉट, अदरवाइज हर्ट हो जाएगा, राइट? तो सेम वही हमारा गेम में यही कंडीशंस होती है कि हम हमारे नर्व सिस्टम और हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है दोनों का कोऑर्डिनेशन से हम अपने आप किस तरह से गेम को प्ले करते हैं, ठीक है? इट इज़ कंसर्न विद बेटर रिलेशनशिप बिटवीन नर्व सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम. ओके, गुड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू कीप ऑफ fatigue during vigorous activities. We can use our energy in a proper way. If we have good neuromuscular coordination, अगर हमारे अंदर अगर neuromuscular coordination का combination है तो हम हमारी जो energy है उसको एक proper way में use करेंगे. Clear? फिर है हमारा next point, emotional development. Emotional development play डेवलपमेंट मीन्स जब हम इमोशनल, आपको पता है, रोना धोना, हेट करना, टीज करना, चिढ़ाना, जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तब आपको मोटिवेट करते हैं, तो आपका मतलब कि मोटिवेट जब आपको करते हैं तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो, एमराइट करते हो. तो लेकिन उसी कंडीशन में फिर आप क्या करते हो, आपस में कितने अपने प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हो, अच्छा नहीं किया तो आपको लगता कि नहीं मैंने अच्छा नहीं किया, तो किस तरह से आप अपने पूरे टीम मेंबर्स को मोटिवेट करके उसको अच्छे से गेम को परफॉर्म करना, गेम में अच्छा परफॉर्म दिखाना. उसके अलावा जैसे अगर सामने वाली टीम अगर स्ट्रांग है तो आप उसको देखते ही पहले ही मोरल डाउन हो जाओगे, यानी आपके जो इमोशंस हैं पहले ओ नो ओके कि यार ये तो वही टीम आ गई और इस बार भी लगता है कि हम हार जाएंगे, ऐसा नहीं. तो ये हमारे इमोशंस होते हैं जो हमारे ऑटोमेटिक हार्मोन्स, लेकिन नहीं, इन्हें हमें कंट्रोल करना है, इन्हें डेवलप करना है कि नहीं कोई बात नहीं, लास्ट ईयर की विनर टीम है तो क्या हुआ, इस टाइम तो हम जीत सकते हैं. ओपोनेंट टीम को देखने के बाद में जो हमारा रिएक्ट करने का जो तरीका है वो हमारे इमोशनली तो हैं, जेलसी फील करना, हेट करना, तो ये सारी चीज़ें जब हम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत सारी जो हमारी इमोशनल फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं और हम एक इंटरनली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं. ओके, लाइक जैसे एवरी इंडिविजुअल हैव, जो सभी हैं, ये सभी में है, इमोशनल जो फीलिंग है ये सभी के अंदर है. ओके, तो लाइक ना एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ इमोशनल, लाइक प्लेजर, जेलिसियस, हेट, एंगर एंड लॉनलीनेस एक्सेट्रा. ओके, द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हमारा फिजिकल एजुकेशन का जो प्रोग्राम होता है, एंड इट हेल्प्स टू डेवलप दीज इमोशंस, यानी जो हमारे स्पोर्ट्स में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे ये जितने भी इमोशनल्स हैं वो सारे डेवलप हो जाते हैं, मतलब कि हट जाते हैं, हम मतलब कि
हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आ जाती है कि जो हमारे लिए ये इमोशंस मायने नहीं रखते, और हम उस चीज़ को हटा देते हैं कि नहीं, क्या जेलसी फील करना है, एक गेम है उसको अच्छे से प्ले करना है, फेयर प्ले करना है। तो टीम में जब पार्टिसिपेट करते तो एक टीम तो विनर रहेगी। ओके, तो इस तरह से दिस इमोशंस एंड ऑल्सो टीचर्स एज टू हैव द प्रॉपर कंट्रोल टू आवर इमोशंस, यानी हमारी इमोशंस को हमें कैसे कंट्रोल करना होता है, स्टडी करना है ना। फिजिकल एजुकेशन में हमें ये भी तो स्टडी करनी है कि हमारे जो इमोशंस हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। ओके, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, फीलिंग होती है, तो किस तरह से हमारा जो फिजिकल एजुकेशन है हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है। ओके, फिर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ कैसे डेवलपमेंट करनी। ओके, इट एजुकेट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, द प्रोग्राम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न एज हेल्प्स टू रिड्यूस एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन अप टू ए लार्ज एक्सटेंट। सो हेल्थ जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ। तो हेल्थ को डेवलपमेंट करने के लिए हमें कम्युनिकेबल जो डिजीज हैं, जो हमारी स्ट्रेस है, जो हमारी टेंशन्स हैं, कैसे किस तरह से रिमूव होगी। तो थ्रू द फिजिकल एजुकेशन वी विल मोटिवेट, वी विल टीच द स्टूडेंट्स डिजीज़ के बारे में टीच करना है, उनको इस चीज़ के बारे में स्टडी करवानी है, बताना है कि किस तरह से आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो, किस तरह से आप बच सकते हो। लिए एक पर्सन के हेल्थ को ध्यान में रखते हुए फिजिकल एजुकेशन आपको ये सिखाता है कि किस तरह से हमें हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है। ओके, तो दीज आर द पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी जो आपका फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, जो सोसाइटी में आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, किस तरह से आप अपने आप को प्ले करते हो, खेलते हो, किस तरह से मतलब कि लोग सोसाइटी में आप अपनी इमेज बनाते हो। ओके, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी माइंड और मस्कुलर का कोऑर्डिनेशन से आप कितना अच्छा परफॉर्म, अपना परफॉर्म प्रेजेंट कर सकते हो। इमोशनल डेवलपमेंट, यानी जो हमारे इमोशंस होते हैं उन पर हमें कैसे कंट्रोल करना चाहिए और किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ना चाहिए। फिर डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, यानी सोसाइटी में रह करके हमें बहुत सारी जितने भी डिजीज हैं उनसे कैसे बचना चाहिए, उस तरह से हमें मतलब कि वी गेट द नॉलेज अबाउट द थ्रू द फिजिकल एजुकेशन। ओके, सो एवरी पर्सन कैन स्टे सेफ एंड हेल्दी। तो दीज आर द पॉइंट, दिस इज फिजिकल एजुकेशन टॉपिक इज कम्प्लीटेड ओवर हियर। एनीबडी हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, एंड थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।